दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। इस महीने की 29 तारीख को फिल्म संजू रिलीज होने वाली है। फिल्म में संजय दत्त की जिंदगी की कहानी को बताया गया है, जिनका किरदार रणबीर कपूर निभा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि फिल्म में संजू के पूरे जीवन को एक खुली किताब की तरह पेश कर दिया गया है, जो आप देखेंगे। आप सभी को बता दें कि फिल्म में संजू और माधुरी दीक्षित की प्रेम कहानी को भी दिखाया गया है, जो एक समय में काफी पॉपुलर रही थी। संजू और माधुरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तब तक जब तक संजू बाबा जेल नहीं गए थे। फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का एक सीन था, जिसे माधुरी ने कॉल कर हटवा दिया है। जी हाँ, फिल्म में जब संजू बाबा गिरफ्तार होते हैं तो वह एक्ट्रेस को कॉल करते हैं। उस समय उनका कॉल एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक्ट्रेस की माँ उठाती है और उन्हें कहती है कि अब तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। आप सभी को बता दें कि वह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित रहती हैं। साल 1993 में जब संजू बाबा को गिरफ्तार किया गया था, तब उन्होंने पुलिस से इजाजत लेकर माधुरी को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने कोई भी रिश्ता रखने से साफ मना कर दिया था। यह सीन फिल्म में था, लेकिन जब माधुरी को इस सीन के बारे में पता चला तो उन्होंने सीन हटवा दिया। अब फिल्म से राजकुमार हिरानी और संजय दत्त द्वारा सीन को हटा दिया गया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।